हेलो बहना। भैया नमस्ते, क्या हाल है? मैं सोच रहा हूँ चाय पीने तेरे घर आ जाऊँ। अरे भैया लेकिन हम तो आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने, और फिर ट्रेन का भी टाइम हो गया है। एक मिनट भैया, आ रही है चाय पीने। हेलो, हाउ आर यू? ऑल द बेस्ट। वापसी कब? हाँ 28 तारीख को आ रहे हैं फिर। अरे इंस्पेक्टर भाई, इतना छोटा सा हनीमून क्यों? काम बहुत पेंडिंग है यू नो, हम लोगों को छुट्टी कहाँ मिलती है, ये तो हनीमून के नाम पर। हम पुलिस वालों का यही हाल है। नो प्रॉब्लम, 28 तारीख को मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट। या बाय, टेक केयर। चलो जल्दी करो। चलो। हेलो मिस्टर विशाल दी ग्रेट। पावर सिंह, तुम और यहाँ क्या करो? विशाल बाबू, उस दिन हम आपको शादी का तोहफा देने आए थे, आपने तोहफा लिया ही नहीं। आज हम आपका तोहफा देने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे तोहफा लेने आए हैं। एक काम कीजिए, ये जो खूबसूरत सा गुलाब है ना, इसका तोहफे के रूप में हमको दे दीजिए। लगता है उस दिन की मार को तो भूला नहीं है, चुपचाप वापस निकल जा वरना। बहुत बुरा किया बरखुदार, उस दिन का वाकया याद दिलाकर। भाई हम तो ये सोच रहे थे कि उस दिन की चोट के बदले तुम्हें जहनी तकलीफ देंगे, पर लगता है अब तुम्हें जिस्मानी तकलीफ भी देनी पड़ेगी। मारो इसको, तब तक मारो जब तक इसको इंस्पेक्टर बने का आप सोच लो। सुल्तान भाई, आपके पास कैंची तो है ना? बिल्कुल। के गुनहगार को उसके आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचा दूं, इसलिए सर आपका यह सच्चा सिपाही अपनी सच्चाई का वास्ता देकर अपना डिमोशन चाहता है। परमिशन ग्रांटेड, मैं और पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। गुड लक। इस लड़ाई में मैं भी आपका साथ देना चाहती हूं, ताकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त उन्हें आपका उदाहरण दे सकूं, उन्हें यह बता सकूं कि आज भी इस दुनिया में आप जैसा बहादुर सिपाही मौजूद है। बस मिली जी, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, अब तो सिर्फ एक ही मकसद है, मौका, समय और शिकार, बास की तरह। कमाल का चश्मा है ये। सिर्फ चश्मा ही कमाल का है या चश्मे वाली भी? चश्मे वाली का तो जवाब नहीं, ऊपर से नीचे तक कयामत, बिजली, क्या ये बिजली मुझ पे गिर सकती है? बिजली तो किसी ना किसी पर गिरेगी ही,
पर तुम्हें जलने से डर नहीं लगता? परवाना तो जन्म जन्म से शमा से जलता आया है, पर वो डरकर फिर शमा के पास ना आया हो ये तो मैंने नहीं सुना। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर तो ये बिजली आज तुम पर ही गिरेगी, तो देखे शमा आज परवाने को जलाती है या फिर परवाना खुद आग में जलकर खाक हो जाता है। ऊपर ही मेरा सीट बुक है। तो फिर लिफ्ट कहाँ है? ऊपर लिफ्ट जल्दी पहुंचाती है, तो चले चलिए। अरे ये लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है? मुझे लगता है किसी ने बेसमेंट का बटन दबा दिया होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है लिफ्ट खराब हो गई है। सीढ़ी से चले। विशाल तुम यहाँ? पहचान तो इसे, दूध के दांत अभी टूटे नहीं और जवानी जोश मारने लगी। छोड़ दो मुझे। किसी ने सच कहा है कि नाक के बिल में फूल नहीं खिलते, सपोले जन्म लेते हैं। तुझ जैसा नाक जो बड़ा होकर अजगर बनेगा तो न जाने कितनी मासूम बहनों को डसेगा। उसका फन कुचल देने में ही समाज की भलाई है। मामा तो कलयुग में भी कंस नहीं बनेगा, जिंदगी भर भांजे की नौकरी करेगा। मेरी बात मान, खड़े शमशान के पीछे लूट का माल पड़ा हुआ है, उसे लूट ले और खुद का निजाम बना ले। और एक बात सुन, शमशान में भूत की तरह जाना और भूत की तरह माल लेकर वापस आना, और यह भूत का झोलझाल किसी को नहीं बताना। जा। रुकावट सिंह जी, आपके काम में खेप डालने वाले का पता हमको चल गया है। यानी कि हमारा लूट का माल हमें वापस मिल जाएगा? लूट का माल और लुटेरा भी। आप अपनी गाड़ी में बैठिए और 1,80,000 की रफ्तार में मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाइए, सब झोलझाल ठीक हो जाएगा। लेकिन पहुंचू कहां? अरे पता तो बताओ। खड़े शमशान के पीछे। खड़े शमशान के पीछे? अरे वहां को भूत भूत तो नहीं होगा? भूत की तरह नजर आएगा। इतना सारा बाल, अब तो मैं राजा बन गया। मामा, रुकावट सिंह का माल लूटकर आज तक कोई राजा नहीं बना है, जिंदगी भर के लिए भिखारी हो गया है। रुकावट सिंह जी, मैं तो रुपए लेकर आप ही के पास आ रहा था। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूं। इंसान थे तो बड़े गंदे थे, भूत बन गए तो बड़े जच रहे हो। एक काम करो, भूत की नगरी में ही आराम करो।